नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब के चैनल दिनेश हेल्थ में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है भिंडी के बारे में। भिंडी जो है आप सभी जानते हैं, लेडी फिंगर के नाम से जानी जाती है, इसको ओकरा भी बोला जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ भिंडी में जो है कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं और भिंडी के साथ जो है आप कौन कौन सा आहार नहीं लें जिससे आपको स्वास्थ्य के जो है दुष्परिणाम ना हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, भिंडी वैसे तो एक बहुत अच्छा पोषक तत्व है। दोस्तों, भिंडी में विटामिन ए, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम सभी पोषक तत्व जो है इसमें पाए जाते हैं। दोस्तों, इससे जो एक चिकना पदार्थ निकलता है वो आपके जो है शरीर में इसके रोगों के लड़ने की जो शक्ति है उसको कई गुना तक बढ़ाता है। दोस्तों, यहाँ तक देखा गया है कि भिंडी के सेवन से मधुमेह रोग भी नहीं होता है, और अगर आपको मधुमेह रोग हो गया है तो डॉक्टर जो है आपको भिंडी खाने की ही सलाह देती हैं, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले जो चिकने पदार्थ है ये जो है आपके इंसुलिन के जो है कार्य को नियमित करता है, ठीक करता है। दोस्तों, ये बात हो गई भिंडी के कुछ सकारात्मक पहलू की, इसके कुछ फ़ायदे वगैरह के बारे में, लेकिन इसके जो है कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं, क्योंकि जिसके फ़ायदे हैं उसके नुकसान भी हैं। तो अभी आपको मैं बताऊँगा कि भिंडी को जो है किन किन चीज़ों के साथ नहीं खाना चाहिए और कौन सी बीमारी में भी भिंडी को नहीं खाना चाहिए और ये जो है वर्जित मानी गई है। दोस्तों, अगर सबसे पहले बात करें तो अगर आपको पथरी की समस्या है तो आपको भिंडी बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अगर आप भिंडी खाते हैं तो आपकी जो है पथरी की समस्या बढ़ सकती है और आपको जो है उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ जो होती है, इसका दर्द जो है वो और बढ़ सकता है। दोस्तों, दूसरा जो है भिंडी और मूली, इन दोनों का सेवन साथ में नहीं करना चाहिए। इससे जो है दोस्तों आपके चर्म रोग होते हैं और चर्म रोग में सबसे बड़ा रोग जो है सफ़ेद दाग, वो रोग हो जाता है, क्योंकि दोस्तों भिंडी की तासीर जो है गर्म है और मूली की तासीर जो है ठंडी है। तो ये गर्म सर्द होने से दोस्तों ये जो है शरीर में जाने के बाद शरीर जो है इसको अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाता है, शरीर का सिस्टम बिगड़ जाता है। तो इस हिसाब से जो है ये जो है विरुद्ध माना गया है। दोस्तों, मूली और भिंडी को कभी साथ में नहीं खाना चाहिए। अगर आपको खाना ही है तो 2-3 घंटे का गैप ज़रूर रखें, भिंडी खाएं, उसके बाद में 2-3 घंटे का गैप रखें आप जो है मूली खा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, भिंडी और करेला है इसको भी विरुद्ध माना गया है, क्योंकि ये दोनों जो है आपके शरीर में जाकर दोस्तों घातक जहर बना देते हैं और आप जानते हैं जहर से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो इसलिए जो है भिंडी और करेला जो है इनको भी कभी साथ में नहीं खाना चाहिए। एक और बात है दोस्तों, भिंडी को कभी भूनकर नहीं खाना चाहिए, इससे भी जो है दोस्तों आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है वो बढ़ता है। तो भिंडी को हमेशा अच्छे से पकाकर और अच्छे से सब्जी बनाकर ही खाएं। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी भिंडी के बारे में, आशा करता हूँ आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे। और दोस्तों, मेरी यही कोशिश रहती है आप सभी जो हैं स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपको कोई रोग से परेशानी ना हो, और जो कुछ भी अगर आपको परेशानी होती है तो उसके लिए मैं वीडियो बनाता ही रहता हूँ। तो आप जो है वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है, हमारा जो है उत्साहवर्धन होता है दोस्तों। तो हम भी सोचते हैं कि हमारा काम जो है लोग सराह रहे हैं, तो इसलिए एक लाइक ज़रूर करिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इसमें जो भी मैं नई वीडियो डालूँगा तो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप जो है सबसे पहले मेरी वीडियो को देख पाएंगे। तो इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नई वीडियो में।